आप लोग आज देख रहे हैं, आज से मेरा सेकंड वीडियो है, काफी जोर से मैंने वीडियो बनाया नहीं है। तो आई होप आपके लिए बहुत सवाल होंगे कि भाई वीडियो क्यों दोबारा है, बहुत सारे सब क्वेश्चन भी मेरे को कि भाई सेकंड वीडियो का क्या हुआ, मैंने बोला भाई टाइम नहीं मिल रहा है, ऊपर से कोविड है तो ड्यूटी की वजह से परेशान हो, मतलब टाइम नहीं मिल पाता। तो आज काफ़ी दिनों बाद मेरे पास टाइम मिला। तो आई होप जो मैं स्टार्ट करूँगा आप वो टॉपिक भी बहुत एक्साइटेड है अभी के टाइम पे, और 90% नहीं बोल सकते, 60% ना इंसान ये चीज़ सोचता है कि मेरा साइज गेम कैसे हो। तो आज का वीडियो पूरा उस पर है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? और मेरा नाम है देवेंद्र कनौजिया, आप देख रहे हैं डीए फिटनेस चैनल। तो आज का बहुत एक्साइटिंग मेरा टॉपिक है, जो काफी बच्चे बोलते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, जो 18+ होते हैं, जो साइज गेन नहीं कर पाते, एक प्रॉपर साइज कि इतने पतले होते हैं और उनका साइज प्रॉपर नहीं रहता तो मसल्स ग्रोथ नहीं हो पाता। तो आज वो टॉपिक की बात करेंगे हम, और आई होप ये वीडियो लाइक करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से मैं पहले आपको कह देता हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, और जो और इसके तो आपके बेनिफिट्स मालूम है कि आपको नोटिफिकेशन आएंगे और भी नेक्स्ट वीडियो के अपडेट प्रॉपर मिलेंगे, तो आप वो करना ना भूले। तो आगे बढ़ते हैं कि आज ये वीडियो साइज गेन पे, एक मसल गेन पे, जो सबका एक ये होता है कि ये मेरा मुझे इतना बनाना है, मतलब जैसे कह सकते हो टारगेट, तो वो टारगेट कैसे अचीव करना है। जैसे बंदा 40 kg का है, उसे 60 पे लाना है, तो वो भी कंफ्यूज होता है, काफी ट्रेनर्स लोग के पास जाता है कि भाई मेरा साइज गेन नहीं हो रहा है, कुछ करो प्लीज। तो वो उसे सजेस्ट करता है सप्लीमेंट, प्रोटीन गेनर। तो ऐसा मैं कुछ नहीं करूंगा आपको, मैं एक सिंपल सा होम रेडीमेड, और आप कह सकते हैं कि एक नेचुरल वे से आपको बिना जीरो इन्वेस्टमेंट के आपके एक साइज गेन कर सकते हैं घर बैठे। आप नॉर्मल एक्सरसाइज भी करें तो भी आप घर बैठे एक्सरसाइज करते करते आपका साइज गेन हो सकता है। बात स्टार्ट करते हैं फिर, वही बात साइज गेन कैसा होता है। तो जहां तक मेरा जानना है, और आपकी बॉडी में से बेहतर आपकी बॉडी आपके बेहतर से कोई नहीं जान सकता। जैसे मैं मेरी बॉडी को अच्छे से जानता हूँ, मैं मेरी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ क्या खाने से मुझे क्या होता है। तो आई होप आप भी ट्राई कीजिए ऐसा करने की कोशिश की मुझे खाने से क्या फर्क पड़ता है। तो 90% ऐसा होता है कि ना, जो मैं खाना जो मैं डाइट बताऊंगा, जो मैं एक फ्रूट्स हो चाहे वो खाना हो, कुछ चाहे वो कुछ प्रोटीन हो, तो वो मैं बताने वाला हूँ। जो फर्स्ट ऐसा जो खाना होता है वो काफी चीप है, और स्टार्ट कर दे फिर बनाना से। तो बनाना क्यों खाना चाहिए? बनाना एक ऐसा इम्पोर्टेंट हाई कैलोरी फ्रूट है जो आपको इजीली वे मार्केट में अवेलेबल मिल जाता है और बॉडी में जल्दी कंज्यूम हो जाता है। बात करते कितना खाना चाहिए, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो कैलोरी इंटेक बढ़ाना होगा, आपकी हैबिट जो है उससे सुधारना होगा, क्योंकि कैलोरी इंटेक करने नॉर्मली बात नहीं है, एक साइज गेन लाना, भूख लगाना आदत, एक टाइम टू टाइम उसको पुश करना, एक अलार्म जैसे आप बोल सकते अलार्म सेट करना, तो वो प्लीज आप करिए, तो ही आपका साइज और आपके टारगेट अचीव हो पाएंगे। तो फर्स्ट था बनाना, वो इजिली मार्केट में 10 के 3 में मिल जाता है, 10 के 4 में मिल जाता है, जैसे जहां सिटी जो रहता है वैसा मिल जाएगा आपको वो प्राइस में। और सेकंड बात करते हैं राइस। तो गाइस ये राइस जो है ना, इसे हल्के में मत लो, आपकी काफी हेल्प करेगा। काफी ट्रेनर्स कहते हैं कि राइस मत खाओ, रोटी खाओ। मैं कहता हूँ कि राइस और रोटी में कुछ नहीं फर्क है, जितना कि एक स्लो डाइजेस्टिव तो एक फास्ट डाइजेस्टिव है। ये स्लो प्रोवाइड करेगा आपको एनर्जी प्रोवाइड, और कार्ब्स जो आप राइस खाएंगे वो फास्ट एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो आई होप कुछ में दोनों में कुछ नहीं फर्क है, तो आप राइस स्किप ना करें। और राइस तो हर किसी के घर में मिल जाता है, ऐसा कि नहीं, किसी एक क्वालिटी में फर्क होती है। तो ऐसा नहीं, आप कौन सा भी राइस खा सकते हैं, चाहे वो ब्राउन राइस हो चाहे वो व्हाइट राइस हो। तो सेकंड डाइट में आप राइस अच्छे से टाइम टू टाइम खाया करिए, तो आपको काफ़ी बेनिफिट होंगे। और थर्ड पे होता है कि भाई मैं चीज़ खा सकता हूँ, अगर आप चीज़ ऐड कर सकते हैं आपके फूड में तो अच्छी बात है, चीज़ भी एक अच्छा गुड ये रहता है, टेस्ट में भी अच्छा रहता है, आप अपने डाइट में ऐड करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और रही बात शुगर की, शुगर भी आप नॉर्मली ले सकते हैं, शुगर ऐसा है कि शुगर नहीं ले सकते, बट आपको ध्यान देना है कि आप क्या खा रहे हो, वो आप जो कार्ब्स इंटेक कर रहे हो, जो कैलोरी इंटेक कर रहे हो आप, तो वो अच्छा है कि बुरा है। मैं अभी बोलूँगा भाई ने बोला कि भाई चल साइज गेन कर रहे, चलो कुछ भी खाए, तो ऐसा नहीं है गाइस।
गुड कार्ब्स खाओगे गुड रिजल्ट मिलेगा, बैड कार्ब्स खाओगे बैड रिजल्ट मिलेगा। तो आई होप आप समझे, खाने में आपको कुछ नहीं कटौती करना है, जैसा आप डाइट कर रहे हैं वैसे ही फॉलो कीजिए। जैसे आपको खाना जो आपका टाइम टेबल जो आपका जो डाइट प्लान है जैसे उसमें चेंजेस करने कि आपको गुड फैट इंटेक करना है, गुड प्रोटीन, गुड प्रोटीन में जैसे कि आप एग्स तो बहुत एग्स तो मैं बोलता हूँ जैसे कि रोज खाओ अंडे, संडे का अंडे रोज खाओ अंडे, तो वैसा मेरा मानना है कि डेली एक नहीं या तो दो अंडे तो जरूर खाइए। उसके योल वो भी योल बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्किनिंग आइज होते, तो आप प्लीज उसे फेंकिए मत। आई होप अगर आपको साइज गेन कर तो काफी मदद करेगा आपको। रही बात हीट की, तो आपका पानी इनटेक बोलते काफी लोग बोलते भाई येलो खाने से हीट निकलता मुंह पे, ऑफकोर्स मेरे पे भी है और पानी इनटेक इसका बहुत अच्छा रहना चाहिए जो भी खाएगा योल, जो भी हीट जो आप कंज्यूम करोगे, क्योंकि वो जब हीट क्रिएट होगा तो आपको पिंपल्स आना तो नॉर्मली है, तो उसका टेंशन मत लेना। जस्ट पानी इनटेक जो आप करोगे वो हाई करना। और काफी लोग कहते भाई तेरा कैलोरी इनटेक कितने कितना, 3000 प्लस 1000, तो सर आपकी बॉडी है आप जानते हो मुझे खाने से कितना पेट भरता है, क्या बढ़ता है, मुझे खाने से क्या होता है। तो आप मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जो खा रहे हो वो गुड कार्ब्स गुड कैलोरीज गुड फैट खाइए। ऑफकोर्स आपका साइज गेन होगा और ऐसा है कि नहीं होगा। और साइज गेन की बात करें तो काफी बोलते भाई मुझे एक महीने में साइज गेन करना है, एक हफ्ते में करना है, तो ऐसा नहीं होता, पेशेंस होना चाहिए। आई होप आप अपना जो टारगेट है जो एक वेट चाहे गेन करो चाहे आप गेन इजिली कर सकते हो, पर डाइट में कार्ब्स ही इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रोटीन का भी इसमें होता है, मल्टीविटामिन का भी होता है, और वेजिस जो खाते हैं जो अपने मिल जाते हैं इजिली मार्केट में उससे भी डाइट ऐड कीजिए। एक प्रॉपर डाइट मेंटेन कीजिए, एक प्रॉपर डाइट प्लान क्रिएट करिए करो तो अच्छा है। तो आई होप आप समझ गए इतना मेरे कहने से मतलब, सिंपल सा है पूरा, इतना जितना मैंने बोला एक सिंपल सा है, आपको कैलोरी इनटेक बढ़ाना है वो भी गुड कार्ब्स गुड कैलोरीज, बाकी कुछ एक्स्ट्रा तामझाम नहीं करना है, कुछ सप्लीमेंट कुछ नहीं, नॉर्मली खाएंगे आपका नॉर्मली अच्छा खासा साइज गेन होगा बिना टाइम पास करे, बिना टाइम वेस्ट करे, बिना हेडेक के। सो गाइस बात करते हैं क्या खाना चाहिए हाई कैलोरी इनटेक फूड में। तो फर्स्ट है आपका बनाना, वो आपको इजिली मिल जाएगा, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मिल्क हो गया आप मॉर्निंग में ले सकते हैं, बनाना मिल्क हो गया, और आपके राइस मिल जाता है इजीली, कर्ड मिल जाता है, पीनट बटर मिल जाता है, एलमंड्स हो जाता है। तो आप ये सब काफी जो चीज मैंने बताया ये काफी हाई कैलोरी फूड है, काउंटिंग होते हैं, और इसे इंटेक करना भूलो मत। और रही बात प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन इंटेक क्या करूं तो एग, और अब काफी लोगों ने जो वीडियो देख रहे जो वेजिटेरियन है, आई होप नेक्स्ट वीडियो में उनके लिए भी एक वेजिटेरियन डाइट लेके आऊंगा, और कैसा साइज गेन होगा उनके लिए भी अलग एक प्योर डाइट प्लान ज्यादा सिंपल वे में, मॉर्निंग में आफ्टरनून में इवनिंग में नाइट में क्या खाना चाहिए, चाहे प्रोटीन हो चाहे कार्ब्स हो, कहाँ से कौन से फूड सोर्स से ले। तो जो मैंने काफी मैंने एक बार रिपीट कर देता हूँ आपके लिए भी कि आपने शायद फूड इनटेक बराबर मेरी वीडियो में आया ना हो। तो फर्स्ट है बनाना, राइस, मिल्क, ओट्स, एलमंड्स, पीनट बटर, ड्राई फ्रूट जितने भी हो गए आप ले सकते हैं, इससे काफी आपको हेल्पफुल होगा, एक हेल्पफुल लाइफ, और आपको एक पॉजिटिवनेस आएगा, एक पॉजिटिविटी आएगी जब आप कैलोरी इनटेक करोगे, आप हैप्पी लाइफ जियोगे, फिर कैलोरी इनटेक अच्छा होगा, ब्रेन फंक्शन अच्छे रन करेंगे, इंटरनल जितने भी सिस्टम है वो भी अच्छे खासे वर्क करेंगे। और कब लेना है कब नहीं लेना है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सब बताऊंगा। अगर कुछ इश्यू हो कुछ रिलेटेड, अगर कुछ क्यूरियस हो भाई मैं कैलोरी इनटेक क्या लूं, मेरा बजट इतना नहीं है, आपका मेरे कमेंट में डाल दो तो आपको मैं रिप्लाई कर पाऊंगा। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी एक्चुअली मैंने अब तक ऐड नहीं किया, तो इन सेकंड और काफी टाइम नहीं मिल रहा है, कुछ थोड़ा लेट मेरा आईडी का इशू है, तो कुछ दिन बाद मैं ऐड करूंगा। तो आप मेरे इंस्टाग्राम के आईडी पे भी आप क्वेश्चंस क्यूरीज आपके पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय।